अस्सलाम वालेकुम जी, जट्टी दे व्लॉग के साथ हाजिर हैं जनाब। आज का व्लॉग शुरू करने हैं मुस्फा दे मिली नगमे। तो चलो मुस्फा, जज्बा वतन कौन सा, जल्दी खड़े होकर। ये बेटे बाद में, ये क्या कर रहे हो आप? चलो खड़े होकर सुनाओ, आप इसको पकड़ के चलो जी। जज्बा वतन, अच्छा अच्छा हाँ, मेरी तरह मुंह करके सुनाओ ना, मामा की तरह मुंह। पूरा सुनाओ, आपने अभी तो मुझे पूरा सुना रहे थे पहले। सुने जनाब तुसी मेरे पुत्र का मिली नगमा। तो आ वेखो, मैं बना रही जी सब्जी, तो हूँ पकान लगी हाँ आंडी, क्योंकि स्कूलों हजे आई हाँ, तो अज सना भी नहीं आई, तो तुहानू हुण किचन च मिलनी इंशाल्लाह, क्योंकि अज बर्तन भी मैं आप ही धोने ने। मुस्फा साहब की फ्रेंड आई हुई है, तो होर की करना है, बर्तन वेखो खलारा खिडौणियां दा, तो किदा बर्तन भी आप ही धोने ने, हांडी भी पकानी है, आटा भी गुनना है, तो किचन भी साफ करना है, तो बस फिर तुम दोबारा मिली इंशाल्लाह जी। तो मैं हूँ किचन वाल हो जे, मैं बना लगी हूँ जनाब आलू मटर। तो आखो मसाले मैं सारे कट वट छे जे, तो नाल मक्खन भी अपने इख्तिताम पजीर होने लगे। मतलब मैं ना मलाई नाल नाल ही बना लैनी है, मक्खन जाग लगा के सुबह गई सी, क्योंकि बच्चे ना मक्खन वाली रोटी, खास तौर पर लीजा ने बेसन की रोटी खानी होती, तो वह मक्खन वाली शौक ना खाती है। तो आ बस थोड़ी देर ही इनू मैं जरा खोर हाथ इंज खिलावगी, तो आ जाएगा इंशाल्लाह। हाए अज सना जो छुट्टी, तो आ वेखो जनाब बर्तना का ढेर लगा जे। हूँ मैं धोन तो लगी हाँ बर्तन, नाल मैं क्या चलो लगे हाथ ना मशीन भी लगा ला। तो अगर मैंने दस के जाती तो मैं चलो सुबह सफाई भी कर जाती, बर्तन भी धो तो जाती। उन्हें अचानक छुट्टी की है, तो हूँ फोन भी नहीं चुकन डी, पता नहीं की उन्हें मसला है। हूँ कपड़े कल ना अकील वर्कशॉप दो तीन दिन हो गए गड्डी का काम करवा डे सन, तो कपड़े ज़रा गंदे ने, इसलिए मैं ना रिंस टाइम नहीं लगावगी अजे, ताकि धुप के ना थोड़ी देर भिजे रह, फिर बाद चुनन दोबारा चलावगी कि चला जरा साफ हो जाए चंगी तरह, क्योंकि शायद दाग दूग लगे ने, गड्डी का तेल शेल भी बदलिया ने। तो उस हिसाब में आलू मटर के नाल जनाब मैं बनाने जे बॉयल चावल। साढ़े घर जो भी कोई 100 रुपये वाली चीज़ बनती है ना, वो ना बॉयल चावल जरूर होंगे ने, एक तो मैनू भी पसंद है, दूसरा गल फिर उही आ जाती है ना बच्चों की, कि जिहड़ी चीज़ बच्चे शौक ना खान, मावां दी चलो खा लैन सही। साढ़े घर चावल बड़े ज़्यादा बनते हैं, वो वजह की है, एक तो सब पसंद भी बहुत ने, खास तौर पर अकील साहब न, दूसरा फिर अलीजा की वजह तो मेरी कोशिश होंगी कि रोज़ तीन टाइम वो आ चावलों की बेसन की रोटी खा खा के आक गई है, चावल वो भी शौक ना खा लेंदी है। तो हूँ रख लगी हांडी, नाल बर्तन धोवगी, नाल किचन साफ करांगी। किचन तो वैसे मैं काफ़ी हद तक साफ कर लिया, बस आ हांडी पका के, तो मैनू ना अपनी सना तो इस इन्ने मैं वो मतलब मैनू काम पसंद है, तो इन्ने देर तो मेरे नाल है, लेकिन गुस्सा सिर्फ इस गलते होंगे कि बगैर दसे छुट्टी कर लेंदी। जारी गल इंसान मजबूरी हो जाती, छुट्टी करनी पै जाती है, मैं हूँ एक हफ्ता छुट्टियां कीतियां ने स्कूलों, लेकिन एक इनफॉर्म नहीं करती। हूँ सुबह अगर मैं पता होंगे मैं जरा जल्दी उठ जाती, नाश्ते तो पहला सफाई कर लेंदी, फिर जाते हुए बर्तन भी धो जाती, मैं अपने ध्यान उस टाइम ना उठी, तो उन जी खलारा खलूरा पिया। हूँ आके मैं सारा घर साफ किया जे, सब्जी सुब्जी बनाई है, तो हूँ ना हांडी उपर रख के, तो नाल ही मैं बर्तन धोवगी। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलनी है, बच्चे अकैडमी गए ने, अकील साहब आए ने इत शो उतो वर्कशॉप तो, आके हूँ मेरे ख्याल आराम फरमा रहे हैं, तो मुस्तफा साहब उपर अपनी दादो नूं मिलन गए। तो अज की रूटीन स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं जे, वीडियो बनाने का टाइम मिले, वजह की सी भला,
हाँ रिजल्ट डे आ रहा सैटरडे नूं साडी पीटीएम, मंडे नूं साडा एनुअल फंक्शन। बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो तुहाडे नाल शेयर करांगे इंशाल्लाह। ते अज जिहड़ा काम है ना वह इन्ना ज़्यादा सी कि होश ही नहीं रही कि टाइम छुट्टी का भी हो गया। पेपरां दी चैकिंग, रीचैकिंग, रिजल्ट बनाना, फाइलिंग करनी, बड़ा कुछ सी। लेकिन हुण थक्की स्कूलों ही आई सा ते आके घर आके सगों ही वेख के गुस्सा चढ़ गया। तुहानूं इंशाल्लाह दोबारा मिलनी जनाब। ये देखें जनाब, हांडी गई जे पक ते चावलों का प्रोग्राम हो गया जे कैंसल। की सब पता नहीं की जोश चढ़िया, कहिंदे ने रोज़ चावल खा खा के मोटिया करता है। मैं क्या ठीक, मैं क्या किन्ने क दिन परहेज रहना है। फिर मैं क्या चलो इतने जनाब लीजा की रोटी बन रही है, वो साइड मैं क्या चेंज करता हूँ। ये देखें लीजा की रोटी की शक्ल वेख ही भुख लग जाती। अब बनाने लगी हूँ रोटियाँ। ये मक्खन भी देखें मैंने निकाल लिया। और यहाँ देखें जी जनाब कपड़े, सॉरी कपड़े आखन नहीं, भांडे भी धुल गए। देखें कितने बड़े मैं भांडे धो ले जे। हाँ देखो हूँ ज़रा खुश्क होंगे ने, तो मैं इन्हों इन्हे थान टिकाने रखनी हाँ। तो जी मशीन है वह मैं कपड़े धोए से फिर चलाती, तो हूँ बस 12 मिनट रह गए फिर इन्होंने सुखने पानी हैं। चलो जी मैं हूँ पका लगी हाँ रोटियाँ, क्योंकि भुख सब नू लगी। वैसे मैनू तो नहीं इन्नी लगी शायद, मैं अज हाँ अज मैं लंच किया ना स्कूलों, तो दोबारा मिलने जनाब इंशाल्लाह। खाने तो मिलना ठीक है ना, या हूँ जी मिल लें दोबारा मिलने जी। तो जनाब अलीजा ने खा लिया खाना, तो मैं जा रही हूँ अब किचन में रोटियां बनाने। अज ना मैं हफ्ता हो गया प्रोग्राम बना रही हूँ कि मैं अपनी अम्मी वाल जाना है। तो स्टार्ट वाली वीडियो तुम वेखी है ना, कि उस मैं रोज़ अम्मी वाल उन्होंने दिनों कोई काम ऐसे से कि जाना पैंदा सी, वरना 10-10 दिन लंघ जाते हैं। हूँ अरे मैंने किन्ने दिन हो गया कहनी कि अज अम्मी मिल के आना है, भी इन दूर नहीं। लेकिन जिंदगी इन्नी मसरूफीत, इन्नी भजो दौड़ लगी है ना कि टाइम कढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह कल मैं अपनी अम्मी जरूर मिल के आना, क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गए ना, उन्होंने तबीयत भी थोड़ी सही नहीं रही। दूसरा अज उन्होंने बच्चों की मैंने कॉल आई, जो बच्चे शिफ्ट नहीं हुए जिन्होंने मैं पढ़ा जानी सा, मैम आपने इधर नहीं आना, मैं इधर आके पढ़ाया करें हम, मतलब अटैचमेंट बच्चों की हो जाती है। लेकिन मैं क्या बेटे एड्डी दूर आना कि सौखा है, तो उन्होंने कुछ दुआवं दतिया। तो मैं क्या चलो अगे तो अच्छा स्कूल मिले, अच्छे लोग मिलन, तो बस यही है कि फिर भी वेख लो मतलब जल्दी आ जानी स्कूलों, फिर भी टाइम कढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। तो कल इंशाल्लाह अम्मी वाल भी जावांगी, तो होर की करना कल वाली रूटीन तुहाडे नाल शेयर करांगी। मुस्तफा साहब वेखो पूरे खलारा पा के बुलाओ। अलीजा ये समेटो बेटा, वो तो अपने बाबा ने ऊपर चला गया, आओ इधर, ये सारे समेटो उसके अंदर रखो, और ये सामने ना रखना, थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर बखेर देता है, सारे ठा लो। अलीजा तुम्हारा जूता बाबा हेल्प कर दो उसकी। तो जनाब किचन च मिलनी है, क्योंकि अकील साहब गए हुए ऊपर मेरी सासु माँ यानी अपनी मम्मी जी से मिलने, और मुस्तफा भी नाल, फिर आके ना खाना मंगना है। फिर बेहतर है कि होंगे खाना टेबल पर लगा हुए, एंज उदन वाली गल ना हो जाने, असं तेरे ब्लॉग ना भी रोटी खा लेने। दोबारा मिलनी है जनाब किचन तो जी। जनाब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, पिज़्ज़ा बाजी ने रोटी खा ली। सब तो पहले घर चो रोटी बनती नहीं, तो रणदी रोना पा लेंदी है। अच्छा मैं तुम्हें कहा कि मैं कमेंट दसना जरूर ऐसी कोई रैसिपी जिद गंदम ना पैंती हो, बेसन की हो, चावल के आटे की हो, लेकिन डिफरेंट हो। जब अज मैं स्कूले बहुत ज्यादा थकती सर स्कूल शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें थोड़ी मजबूरी बन जाती है। तो मेरी जॉब बड़ी अच्छी माशाल्लाह, तो मैं नहीं कहती कि मैं दवा दिया। आहो 2-3 दिन है ना, मतलब मंडे तक रूटीन बड़ी टफ है, क्योंकि एनुअल रिजल्ट है अगों, फिर नौ दस ना क्लासा ने, इसलिए ना उतों भी थकी हुई सब, घर आके घर के बतेरे काम से जो मैं किए हैं। तो हूँ बस आज की वीडियो मैंने उम्मीद है तुम पसंद आई होनी है। एंड से ही करांगी नहीं कहांगी सॉरी कि चैनल लाइक करना सब्सक्राइब करना। मेरी एक कलीग है मैंने कहती है कि तू तो वीडियो तरले ही लैन लग पैनी है कि सब्सक्राइब करना लाइक करना, मैं तो कोई नहीं घर वाली गल है,
ਤੇ ਜਨਾਬ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੁਆ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।